यहां और यहां ये ट्यूबल टॉन्सिल है और यहां पे यहां पे पैलेटाइन टॉन्सिल है। पैलेटाइन टॉन्सिल है तो देखो ये सारे टॉन्सिल एक रिंग में आ गए। इसको थोड़ा और इधर बना लेते हैं इस तरह से, तो एक रिंग फॉर्म में आपको दिख रहा है। और इस रिंग को एक वाल्डियर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कि ये एक रिंग में है, सर्कुलर रिंग है। यहां यहां ऐसे लिंगुअल टॉन्सिल, पैलेटाइन, फेरिंजियल, ट्यूबल, ये सारे रिंग में है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वाल्डियर्स रिंग। तो इसीलिए इसको बोलते हैं वाल्डियर्स रिंग। वाल्डियर साइंटिस्ट थे और उन्होंने बोला कि सारे टॉन्सिल एक रिंग बनी हुई है, उसी के ऊपर सारे टॉन्सिल लगे हुए हैं। क्लियर? तो इस तरह से थोड़ा बहुत आप टॉन्सिल के बारे में याद रखना। क्लियर बच्चों? तो ये है टॉन्सिल, इतना याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे पैलेट। क्लियर? तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज पैलेट। उससे पहले कुछ टर्म भी आप लिख सकते हो, जैसे टॉन्सिलाइटिस। यहां पे लिख देता हूं बच्चों, यहां पे लिखता हूं मैं टर्म टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल इज कॉल्ड एज टॉन्सिलाइटिस। कैसे इन्फ्लामेशन होता है देखो, व्हेन एनी माइक्रोब, व्हेन एनी माइक्रोब सपोज बैक्टीरिया इंटर आवर बॉडी, देन टॉन्सिल्स ट्रैप देम, टॉन्सिल ट्रैप देम, उनको पकड़ता है एंड बिकम इन्फेक्टेड and infected or inflamed। एक टर्म यहां पे लिख दे रहा हूं टॉन्सिलेक्टोमी, दैट इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ टॉन्सिल। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे लिम्फोइड ऑर्गेन है और इम्यून सिस्टम के ऑर्गेन है, तो अगर टॉन्सिल रिमूव भी कर दिया जाता है तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और सारे ऑर्गेन माइक्रोब से लड़ते हैं, इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करते रहते हैं। तो टॉन्सिलेक्टोमी और टॉन्सिलाइटिस याद रखना। किसी भी ऑर्गेन के, पहले मैंने बताया हुआ, किसी भी ऑर्गेन के बाद आपने आइटिस वर्ड लगा दिया, आइटिस That is the meaning of inflammation, tonsillitis, gingivitis, conjunctivitis, appendicitis. तो itis जहाँ लगा, that is the meaning of inflammation. Clear? तो ये है tonsillitis. तो इसको लिखो, फिर मैं रब करके palate पे आता हूँ।
ये एनसीईआरटी में है लेकिन ट्वेल्थ वाले पार्ट में है, वहां भी लेकिन सारे टाइप्स नहीं बताए हैं, बस टॉन्सिल का नाम लिखा है। इसके बाद देखो पैलेट, पैलेट क्या है? इट इज द पार्टीशन बिटवीन ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी। ये क्या है? पार्टीशन है। नेक्स्ट लिख सकते हो पैलेट फॉर्म्स द रूफ ऑफ ओरल कैविटी। पैलेट इज ऑफ टू टाइप, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट इज एंटीरियर पार्ट, आगे की तरफ। सॉफ्ट पैलेट इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट एंड टर्मिनल एंड ऑफ सॉफ्ट पैलेट। टर्मिनल एंड ऑफ सॉफ्ट पैलेट इज कॉल्ड एज युवला और वेलम पैलेटी। देखो आगे में आप जीभ से टच करो तो आपको एक पैलेट दिख रहा है, पार्टीशन नेजल कैविटी और ओरल कैविटी में। उसका आगे वाला हिस्सा आपको हार्ड फील हो रहा होगा, पीछे में जैसे ही आप जाते हो तो एक बहुत पीछे ले जाओगे टंग को तो सॉफ्ट लगेगा एक, तो दैट इज सॉफ्ट पैलेट। और सॉफ्ट पैलेट का जो टर्मिनल पार्ट है वहां पे आप देखना एक हैंगिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है ना। मुंह खोलना आप देखना, एक जहां पे आपका मुंह पीछे की तरफ जहां देखना आप थ्रोट है वहां पे देखना एक ऐसे हैंगिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड युवला और वेलम पैलेटी। क्लियर? तो ये वेलम पैलेटी और युवला है। क्लियर? तो व्हाट इज युवला? इट इज ए टर्मिनल पार्ट, लास्ट जो है सॉफ्ट पैलेट का, जहां पे लास्ट एंड हो रहा है, जहां पे सॉफ्ट पैलेट खत्म हो रहा है उसी को बोलते हैं युवला। और इट इज ए स्मॉल फिंगर लाइक हैंगिंग स्ट्रक्चर। इट इज ए स्मॉल फिंगर लाइक हैंगिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड युवला। फंक्शन क्या है युवला का? वाइल स्वालोइंग मीन्स ड्यूरिंग ईटिंग, जब आप खाना खाते हो, वाइल स्वालोइंग युवला
closes the internal nares or internal nostril so that food can't enter या food could not enter the nasal cavity. मतलब food जैसे ही आया, एक डायग्राम में अभी ड्रॉ करूंगा तो और आपको क्लियर होगा. जैसे ही फूड आया तो क्या होता है, ये युगला को ऊपर की तरफ, फूड जो है युगला को ऊपर की तरफ पुश करता है. युगला जाकर बंद कर देगा नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी को. नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर, दो तरह की नॉस्ट्रिल होती है. देखो बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम में और डिटेल में पढ़ेंगे. ये है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल और एक अंदर की तरफ भी नॉस्ट्रिल होता है जिसको बोलते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल. क्लियर? तो इंटरनल नॉस्ट्रिल होती है, तो इंटरनल नॉस्ट्रिल को ये क्लोज करता है. अभी थोड़ा और समझ में आएगा आपको. इंटरनल नॉस्ट्रिल को क्लोज कर देता है जिससे फूड नेजल चैम्बर में ना जाए. क्लियर? जनरली एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं फिर आपको समझ में आएगा. और इसको रब कर रहा हूं, देखो. सपोज करें कोई इंडिविजुअल है तो उसमें क्या है, देखो यहां पे आपको ओरल कैविटी दिख रहा है, यहां पे नॉस्ट्रिल है, यहीं से एयर इंटर करेगा. क्लियर? तो नॉस्ट्रिल यहीं से इंटर करेगा. इसको थोड़ा सा और इस तरह से, तो देखो यहां पे ओपनिंग है, दैट इज नॉस्ट्रिल. जो हमारी ये दोनों ओपनिंग है नॉस्ट्रिल, तो नॉस्ट्रिल है. क्लियर? अब नॉस्ट्रिल यहीं से एयर जाएगा तो ये नोज हो गया, दिस इज नोज. क्लियर? तो नोज के पीछे जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड नेजल कैविटी. शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूं, छोड़ो, NC. यहां पे है ये माउथ है, दिस इज माउथ, दिस इज माउथ. तो ये हो गया OC, ओरल कैविटी. क्लियर? ये हो गया ओरल कैविटी. और यहां जो चैम्बर है कुछ दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं, देखो. तो ये नेजल कैविटी है और ये ओरल कैविटी है. इसका जो पार्टीशन है इसको क्या बोलते हैं, बोलो बच्चों. इसका जो पार्टीशन है दैट इज पैलेट. इसी को तो बोलते हैं पैलेट हम लोग. क्लियर? ये है पैलेट. तो चलो इसको लेबल कर दिया पैलेट. ये पैलेट है, दैट इज पार्टीशन बिटवीन ओरल कैविटी और नेजल कैविटी. ये पार्टीशन हो गया. क्लियर? ओरल कैविटी और नेजल कैविटी के बीच का ये पार्टीशन है.
अब नेजल कैविटी का पार्टीशन है ये, क्लियर। अब आगे वाले को हार्ड पैलेट, पीछे वाले को सॉफ्ट पैलेट, और यहीं पे देखो बच्चों, ये जो हैंगिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड यूवुला, यही हैंगिंग स्ट्रक्चर यूवुला है। अब मैं इस ओरल कैविटी को मिटा रहा हूं, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां पे फूड है, दिस इज फूड, सपोज ये फूड है, ये फूड आगे की तरफ मूव करेगा, तो ये फूड जब आगे की तरफ मूव करेगा तो सपोज यहां आया, ये फूड यहां आया, तो ये युगला को कहां पुश करेगा, युगला को इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। अब सपोज करो युगला आ गया ऐसे, ये युगला आ गया यहां पे, डॉट डॉट करके बनाते हैं, ये युगला आ गया यहां पे, तो यहीं पे इंटरनल नॉस्ट्रिल होती है। मतलब एयर कहां से जाएगा, नॉस्ट्रिल से जाता है, फिर एयर नेजल चैम्बर में जाता है, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल से वो आ जाता है किसमें, फैरिंग्स में। ये थोड़ा ज्यादा ही अजीब बड़ा सा दिख रहा है, इधर ऐसे थोड़ा सा इधर रखो इसको, हाँ। अब ये वाला जो एरिया है दैट इज फैरिंग्स, क्लियर। तो ये वाला है फैरिंग्स, ध्यान देना। एयर कैसे इंटर करता है, देखो एयर जाएगा नॉस्ट्रिल में, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज वाले चैप्टर में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर, उसके बाद और इसी नॉस्ट्रिल को बोलते हैं हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर नेजल चैम्बर से जाएगा इंटरनल नॉस्ट्रिल में, इंटरनल नॉस्ट्रिल, और इंटरनल नॉस्ट्रिल से इंटर कर जाता है किसमें, फैरिंग्स में, कहां, फैरिंग्स में। तो ये एयर का डायरेक्शन है, एयर इस तरह से इंटर करता है। तो अब क्या है, यहीं पे सपोज करो इंटरनल नॉस्ट्रिल है, अब क्या था, अगर ये यूवुला नहीं होता तो फूड का चांस था कि फूड कुछ पार्टिकल यहां भी चले जाए, कहां, नेजल चैम्बर में, क्लियर। तो फूड को प्रिवेंट करता है ये इंटर करने में, कहां, नेजल चैम्बर में। तो इस तरह से ये इंटरनल नॉस्ट्रिल, दिस इज इंटरनल नॉस्ट्रिल, सपोज दिस इज इंटरनल नॉस्ट्रिल, क्लियर। तो इंटरनल नॉस्ट्रिल को इसने क्लोज कर दिया, अब फूड आएगा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है पूरा, दैट इज कॉल्ड फैरिंग्स, फैरिंग्स, ये है फैरिंग्स, और यहीं से फैरिंग से दो चैम्बर आते हैं, दो चैम्बर बना, सॉरी दो पाइप फैरिंग्स में जाके खुलती है, ये पूरा हिस्सा फैरिंग्स का, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये फैरिंग्स है पूरा, ये जो डॉटेड पार्ट है दैट इज फैरिंग्स, और यहीं से दो पाइप होते हैं, दो पाइप फैरिंग्स में खुलते हैं। ये जो पाइप है दैट इज कॉल्ड ईसोफेगस, जो पीछे की तरफ है दैट इज कॉल्ड ईसोफेगस और फूड पाइप, और आगे की तरफ जो है दैट इज ट्रैकिया, विंड पाइप, दिस इज ट्रैकिया, विंड पाइप। जो ट्रैकिया की ओपनिंग है इसको बोलते हैं हम ग्लॉटिस, ट्रैकिया की जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इज कॉल्ड एज ट्रैकिया, सॉरी ग्लॉटिस, सॉरी ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इज कॉल्ड ग्लॉटिस, यानी ट्रैकिया की ओपनिंग या विंड पाइप की ओपनिंग। ओपनिंग ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड एज गलेट,
ओपनिंग ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड एज गलेट, और यहां पे एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है ग्लॉटिस के ऊपर, सपोज दिस इज द विंड पाइप, तो यहां पे जो ओपनिंग है ग्लॉटिस उसके ऊपर एक फ्लैप लगा हुआ है कार्टिलेज का, दिस फ्लैप इज कॉल्ड एज ईपी ग्लॉटिस, ये जो फ्लैप है दैट इज कॉल्ड ईपी ग्लॉटिस। अब देखो ईपी ग्लॉटिस का क्या काम है, अब जैसे ही फूड बच्चों नीचे की तरफ आना शुरू हुआ, सपोज यूगुला को ऊपर पुश कर दिया फूड ने, फिर फूड यहां आ गया, फिर फूड यहां आ जाएगा, तो ये फूड पुश करता है ईपी ग्लॉटिस को कहां, नीचे की तरफ। ईपी ग्लॉटिस आया, अब ऐसे फूड आया, फूड ने नीचे की तरफ पुश किया यानी ठक बंद हो जाएगा, कौन यानी फूड ने अब ईपी ग्लॉटिस को इधर की तरफ पुश किया, ध्यान से समझना, यानी इस ईपी ग्लॉटिस ने ग्लॉटिस को क्लोज कर दिया, यानी फूड अब विंड पाइप में नहीं जाएगा, क्लियर। तो ईपी ग्लॉटिस को क्या किया, ईपी ग्लॉटिस को नीचे पुश करता है फूड, क्लियर। तो इसको रब करके थोड़ा और मैं आपको लिखता हूं तो और समझ में आएगा, एक बार ये देखिए, ये पॉइंट लिखना तो और समझ में आएगा आपको, यानी जब फूड हमने खाया तो फूड युगुला को ऊपर की तरफ और ईपी ग्लॉटिस को नीचे की तरफ, मतलब समझो ईपी ग्लॉटिस क्या है, एक कार्टिलेजनस फ्लैप है, सपोज दिस राइट हैंड इज कार्टिलेजनस फ्लैप, क्लियर, इस तरह से लगा हुआ है कार्टिलेजनस फ्लैप, और ये जो ओपनिंग है दैट इज ग्लॉटिस, ये विंड पाइप है, इसमें हवा जाना चाहिए खाना नहीं जाना चाहिए, अब फूड यहां से आ रहा है तो फूड ढक से इसको पुश करेगा नीचे की तरफ, यहां से खाना आया इसने इस तरह से किया, अब ईपी ग्लॉटिस बंद हो गया, देखो यानी जैसे ही फूड आया इसने युगुला के ऊपर की तरफ, युगुला को ऊपर की तरफ पुश किया फूड ने और ईपी ग्लॉटिस को नीचे की तरफ, जिससे ईपी ग्लॉटिस ने ग्लॉटिस को क्लोज कर दिया। तो लिखना फूड पुशेस युगुला इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन एंड ईपी ग्लॉटिस इन epiglottis in downward direction, epiglottis in downward direction, downward direction, so that uvula closes internal nostril, internal nostril and prevent food to enter nasal cavity or nasal chamber, नेजल चैम्बर, फूड पुशेस ईपी ग्लॉटिस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन
ईग्लॉट इज क्लोजेस ग्लॉटिस, ईपीग्लॉटिस क्लोजेस ग्लॉटिस एंड प्रिवेंट फूड टू इंटर इनसाइड विंड पाइप और ट्रैकिया। यहां पे लैरिंग्स होता है बच्चों, यहां पे लैरिंग्स होता है, वो भी याद रखना, लैरिंग्स उसके बाद ट्रैकिया। तो फूड जब हमने खाया तो युवला को ऊपर की तरफ, इपिग्लॉटिस को नीचे की तरफ, इसीलिए फूड नेजल कैविटी में नहीं जा पाता और फूड ट्रैकिया में या विंड पाइप में नहीं जा पाता ड्यू टू क्लोजर ऑफ इपिग्लॉटिस। इपिग्लॉटिस क्या है यहां लिख रहा हूं, देखो दूसरे कलर से लिखता हूं, देखो इपिग्लॉटिस इज ए कार्टिलेजिनस फ्लैप दैट क्लोजेस ग्लॉटिस। क्लियर? तो ग्लॉटिस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी दिया है, कई बार क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आप खाते वक्त बोलोगे तो हम बोलते तभी हैं, साउंड प्रोडक्शन तभी होता है जब एयर बाहर की तरफ निकलती है, और आप जब बोलेंगे खाते वक्त तो एयर निकलेगी विंड पाइप से बाहर की तरफ और वो उससे इपिग्लॉटिस खुल जाएगा, उससे इपिग्लॉटिस खुल जाएगा एयर के प्रेशर से। जब हम बोलते हैं तो एयर बाहर की तरफ जाती है, यानी एक्सपायरेशन जब होता है, यानी जब भी आप बोलोगे एयर बाहर की तरफ जाएगा, और जब एयर बाहर की तरफ जाएगा तो वो इपिग्लॉटिस पे एक प्रेशर लगाएगा जिससे इपिग्लॉटिस खुल जाएगी। इसीलिए आपने फील किया होगा कि जब हम खाते हुए बोलते हैं या बातें करते हैं तो कभी कभी फूड पार्टिकल हमारे विंड पाइप में घुस जाता है और हमें कफिंग रिफ्लेक्स हम खांसने लग जाते हैं, एक कफिंग रिफ्लेक्स होता है जो कोशिश करता है कि फूड पार्टिकल को बाहर निकाले। और लोग कहते हैं कि हमें कोई याद कर रहा है, कोई याद नहीं कर रहा, भगवान याद कर रहे हैं। यानी खाते वक्त नहीं बोलना चाहिए, जब भी आप बोलते हैं तो एयर बाहर की तरफ निकलता है, जब एयर बाहर निकलेगा तो बंद इपिग्लॉटिस को खोल देगा और देर इज ए चांस कि खाना या खाने का कुछ पार्टिकल विंड पाइप में चला जाए। क्लियर? तो इपिग्लॉटिस खाने को विंड पाइप में जाने से रोकता है इस तरह से। क्लियर? इस तरह से याद रखना। तो ये डायग्राम आपको समझ में आया, इपिग्लॉटिस याद रखना है, ग्लॉटिस याद रखना है, युवला का क्या फंक्शन है। तो जब भी फूड आएगा डायग्राम में आपने देखना युवला को ऊपर की तरफ पुश करेगा और फूड, ये फूड आगे जब जाएगा तो इपिग्लॉटिस को नीचे की तरफ पुश करेगा जिससे ठक से बंद हो गया ग्लॉटिस, इपिग्लॉटिस ने बंद कर दिया, युवला ऊपर चला गया और बंद कर दिया किसको, इंटरनल नॉस्ट्रिल को, जिससे खाना अब यहां नहीं आ सकता। हो सकता है कभी खाना यहां चला जाता लेकिन युवला की वजह से खाना नहीं जाता हमारे नेजल चैम्बर में। क्लियर? तो युवला हमेशा इंटरनल नॉस्ट्रिल को क्लोज करता है और इपिग्लॉटिस हमेशा ग्लॉटिस को बंद करता है और जिससे खाना इंटर नहीं कर पाता विंड पाइप में। लेकिन अगर खाते वक्त आप बोलेंगे तो एयर बाहर जाएगा, जब एयर बाहर जाएगा तो हो सकता है, एयर जब बाहर जाएगा तो इपिग्लॉटिस खुल जाएगा और हो सकता है फूड पार्टिकल उसमें चले जाए। क्लियर? कहां? विंड पाइप में। तो यहां तक आप समझ के रखना, नेक्स्ट टाइम कभी कभी क्वेश्चन बनाते हैं, दो फ्रेंड है आपस में बातें कर रहे खाते हुए, तो
एक कफिंग रिफ्लेक्स हुई, कफिंग रिफ्लेक्स हुआ तो क्यों हो सकता है वो, या खाना को विंड पाइप में जाने से कौन रोकता है, किस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो एपिग्लॉटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज ए कार्टिलेजनस फ्लैप, कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है ना। तो एपिग्लॉटिस कार्टिलेज का बना है, और कार्टिलेज कौन सा है, येल्लो इलास्टिक कार्टिलेज। यहाँ जो कार्टिलेज है दैट इज इलास्टिक कार्टिलेज। कई तरह के कार्टिलेज होते हैं ना, हायलिन, इलास्टिक, व्हाइट फाइबर्स, तो एपिग्लॉटिस इलास्टिक कार्टिलेज है यहाँ पे, इलास्टिक कार्टिलेज। तो ये इतना ध्यान रखना, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेजनस फ्लैप है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट में क्वेश्चन आया है, तो एपिग्लॉटिस याद रखना है। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट टाइम फायरिंग से आगे बढ़ेंगे। क्लियर, थैंक यू।